प्यारे बच्चों, आपका फिर से आपके YouTube चैनल ऑनलाइन फिजिक्स फॉर यू में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक करंट का। तो इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको बताया कि किसी क्रॉस सेक्शन से, किसी वायर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो होगा, उस चार्ज को बोल देते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सो चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और यूनिट बताया था एम्पियर। तो ये मान लीजिए एक वायर है, ये एक वायर है, दिस इज द वायर एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन। आई एम टेकिंग दिस क्रॉस सेक्शन, टेकिंग दिस क्रॉस सेक्शन एंड चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड चार्ज फ्लो हो रहा है, और Q चार्ज और T टाइम में फ्लो हुआ है। सो Q अपॉन T को बोल देंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा हम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में फ्रॉम एंड A टू एंड B। अब बेसिक क्वेश्चन पर जाइए कि इस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने वाला कौन है? इलेक्ट्रिक करंट क्यों है? चार्जेस के फ्लो होने की वजह से। इन चार्जेस को फ्लो कौन करा रहा है इस वायर में, इस सर्किट में कौन है जो इन चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर रहा है? आपने देखा होगा, वाटर करंट सुना है, एयर करंट सुना है, एयर करंट होता है, वाटर करंट होता है। तो एयर कहाँ फ्लो होती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इसी तरह से वाटर कहाँ फ्लो होता है? हाईर प्रेशर टू लो प्रेशर। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर करंट हमें मिलता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वाटर करंट हमें मिलता है। तो यहां भी ये एक प्रेशर डिफरेंस है। क्या है ये? प्रेशर डिफरेंस। सो करंट फ्लो और यू कैन राइट चार्जेस फ्लो इन अ वायर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। और यहां उस वर्ड को प्रेशर ना बोलकर हम बोल देते हैं पोटेंशियल, ड्यू टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस और बाई कन्वेंशन हम ये जानते हैं, एयर करंट हाईअर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सिमिलरली वाटर करंट फ्रॉम हाईअर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, सिमिलरली करंट फ्लो फ्रॉम हाईअर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ वायर फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो देखिए वायर है और ये करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। सो श्योरली दिस एंड विल बी एट हाइयर पोटेंशियल एंड दिस एंड विल बी एट लोअर पोटेंशियल। सो हियर हाइयर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। सो पोटेंशियल डिफरेंस सिंस इट इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, दिस इज एट हाइयर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। तो ये चार्ज फ्लो हो रहा है, इस चार्ज को एनर्जी कहां से मिल रही है? ये हाइयर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल डेवलप किसने किया हुआ? इट इज डेवलप बाय अ बैटरी और सेल। तो सेल एनर्जी यहां सप्लाई कर रहा है और उस एनर्जी से ये चार्ज मूव कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम, पोटेंशियल डिफरेंस को हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। तो हम डिफाइन करेंगे कि एक पॉइंट से, मान लीजिए ये एक एंड है, ये एक एंड बी है, पॉइंट है ये, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक
जो वर्क करना पड़ेगा, वर्क कौन कर रहा होगा, सेल या बैटरी, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज इन मूविंग वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर इन अ सर्किट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनोदर इन अ सर्किट, अनोदर इन अ सर्किट। तो किसी सर्किट में यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए जो वर्क करना होगा, दैट वर्क विल इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज नोटेड बाय डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस इज नोटेड बाय डेल्टा वी। सो मैथमेटिकली इट विल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट विल यूनिट, सो यूनिट ऑफ W डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ चार्ज, सो यूनिट ऑफ वर्क जूल एंड यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, सो इट इज जूल पर कूलम, एंड एसआई यूनिट इज वोल्ट, एंड दिस वोल्ट इज नोटेड बाय कैपिटल V, एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू यूनिट्स, वन वोल्ट इक्वल्स वन जूल पर कूलम, वन वोल्ट इक्वल्स वन जूल पर कूलम। अब हम डेफिनेशन लिखेंगे वन वोल्ट का, वन वोल्ट डेफिनेशन, सो डेल्टा वी विल बी वन वोल्ट इफ W इक्वल्स वन जूल एंड Q इक्वल्स वन कूलम, सो इफ W इक्वल्स वन जूल एंड Q इक्वल्स वन कूलम, देन डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी वन वोल्ट। So now you can define if one joule work is done, if one joule work is done in moving one coulomb charge from one point to another in a circuit, then potential will be one volt. Okay, it is a definition of one volt. This is the first example of your NCERT book. So this is a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. So current value I is 0.5 ampere and electric bulb for 10 minutes and time is 10 minutes. And this is not in SI units. So first कन्वर्ट दिस इन टू सेकेंड, सिंस टाइम के लिए जो हमने यूनिट ये डिफाइन किया था वन एम्पियर क्या था, वन कूलम पर सेकेंड, तो फर्स्टली आई विल कन्वर्ट दिस इन टू सेकेंड, सो टेन इंटू एंड वन मिनट इक्वल 60 seconds, सो दिस इज टाइम एंड वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज, सो वी नीड चार्ज, सो यूजिंग यूजिंग आई इक्वल्स क्यू ओवर टी, I equals Q over T and I need Q, so Q equals I into T, so Q equals what is I, it is 0.5 into what is T, 10 into 60 seconds, so this is ampere, this is second, ampere second is coulomb, so Q equals it is 5 and 5 6 are 30, so 300 coulomb, so 300 कूलम चार्ज एक 300 कूलम चार्ज 10 मिनट्स में फ्लो होगा, तो उस करंट का वैल्यू कितना होगा, 0.5 एम्पीयर। सो इट वाज योर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक प्रॉब्लम। दिस इज एग्जांपल टू फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। मान लीजिए एक वायर है और ये इसके दो पॉइंट्स हैं और वर्क डन पूछा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन होगा,
if the potential difference delta V across this point and this point is, it is 12 volt and charge is 2 coulomb. Charge is 2 coulomb. So I will use the definition of delta V, potential definition. So it is delta V equals W over Q. So what will work done? Work done will be Q into delta V. Q into delta V. So equals Q is 2 coulomb and delta V is 12. And unit of work is joule. So W equals 24 joule. So this is your second. This is your example 2 from your NCERT book. Now, अब मैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा जिससे इस पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट किया जाता है. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर मेजर यूजिंग वोल्ट मीटर. एक ये इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर का यूज करके इस फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया जाता है और इट इज यूज्ड इन पैरेलल. इट इज यूज्ड इन पैरेलल पैरेलल. तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट मैं यहां ड्रॉ करता हूं. इलेक्ट्रिक सर्किट है ये. दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैविंग सेल रेजिस्टेंस एंड दिस इज बल्ब. And this is bulb. Okay, तो मुझे इस रेजिस्टेंस के across, इन दो पॉइंट्स के across potential difference चाहिए. तो हम क्या करेंगे यहां पर, इस तरह से एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे इस तरह से. तो इस कॉम्बिनेशन को हम कह देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. यदि मुझे इस बल्ब के across चाहिए, बल्ब के across यहां मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो उसको क्या कह देंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहां मुझे ये वोल्ट मीटर अटैच करना पड़ेगा इस तरह से. सो वोल्ट मीटर इज ऑलवेज यूज्ड इन पैरेलल. नेक्स्ट, करंट किसी सेल से पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है. अभी बताया कि हाइयर पोटेंशियल, तो सेल के इस एंड पर हाइयर पोटेंशियल होगा, यहां पर लोअर पोटेंशियल होगा. देन करंट विल स्टार्ट फ्लो फ्रॉम दिस हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. So this will be the direction of current. This will be the direction of current I. ऐसे करंट पास होता हुआ ऐसे और ऐसे और बल्ब से ऐसे पास होता हुआ और कहां एंटर करेगा ये, नेगेटिव में. So what is the direction of current? What is the direction of current in the outer circuit? तो ये करंट फ्लो हो रहा है, इसको बोल देते हैं सर्किट. सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. दिस इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट. सर्किट का डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक सर्किट का, और कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड सर्किट. तो दिस इज सर्किट. और ये सर्किट के कंपोनेंट्स हैं, ये सेल है, ये वोल्ट मीटर है, ये रजिस्टर है, ये बल्ब है. तो दीज आर नोन एज सर्किट कंपोनेंट्स, सर्किट कंपोनेंट्स. तो ये करंट का डायरेक्शन होता है एंड इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम लोअर टू हाइयर पोटेंशियल. सो आउटसाइड द सेल इन वायर इट फ्लोज फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड इनसाइड द सेल इट फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाइयर पोटेंशियल. और अब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव. तो नेगेटिव चार्ज कहां फ्लो होगा, इनके अपोजिट डायरेक्शन में. तो किसी सर्किट में करंट तो फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, एंड इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होंगे और करंट ऐसे फ्लो होगा. सो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, रिमेंबर इट. ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट फ्लो होता पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इन अ वायर, इन वायर्स, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल और बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल. यू कैन सी हियर, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसके बाद अब मैं कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट के
और ये जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं इनके सिंबल के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये एक टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इट इज़ टेबल 12.1 सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम्स। तो ये सर्किट डायग्राम हम यूज करेंगे, उसमें कुछ सिंबल्स हम ड्रॉ करेंगे, तो उन सिंबल्स को कैसे कैसे ड्रॉ करना है ये इस टेबल में समझाया गया है। और ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है। तो तीन कॉलम आप देख रहे होंगे, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स एंड सिंबल्स। सो फर्स्ट वन एन इलेक्ट्रिक सेल, सो इट इज द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल। तो यहाँ दो आपको बार दिखाई दे रहे होंगे, एक थोड़ा बड़ा है लेंथ में, एक थोड़ा छोटा है। बड़े वाले को बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और छोटे वाले को सेल का नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। सेकंड वन अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। बैटरी का डेफिनेशन यही है, टू और मोर सेल्स व्हेन कनेक्टेड देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज बैटरी। और टू और मोर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, टू और मोर सेल यदि कंबाइन कर दें तो उसको बोल देते हैं बैटरी। तो ये देखो तीन सेल कनेक्ट किए हुए हैं, और कनेक्ट कैसे किया हुआ, पहले सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल थर्ड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, सो इट इज बैटरी। थर्ड वन प्लग की और स्विच। तो थर्ड और फोर्थ में दो प्लग की दिखाए हुए हैं या स्विच दिखाए हुए हैं, तो यदि कहीं हमें स्विच करना होगा तो इस तरह से हम उसको सिम्बोलिक फॉर्म में यूज करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस ये है कि थर्ड वन इज ओपन स्विच एंड फोर्थ वन इज क्लोज स्विच, जिसको हम बोल देते हैं कि ऑफ है तो ऊपर वाला यूज करेंगे और ऑन है तो नीचे वाला यूज करेंगे। और आप यूज ये वर्ड भी प्रयोग करते होंगे घरों में, स्विच ऑन किया हमने, स्विच ऑफ किया। सो फर्स्ट थर्ड वन इज स्विच ऑफ एंड फोर्थ वन इज स्विच ऑन। एंड फिफ्थ आ वायर जॉइंट, एक वायर दिखाया हुआ है, तो वायर जॉइंट जहाँ हम दिखाएंगे तो इस तरह से सिंबल यूज करेंगे। सिक्स वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंटिंग, तो देखो कैसे वायर बिना जॉइंट किए हुए क्रॉस कर रहा है, तो इस तरह से ही क्रॉसिंग दिखाएंगे हम। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए दो सिंबल दिखाए हुए हैं, इन दो सिंबल का यूज करेंगे। रजिस्टर ऑफ रजिस्टेंस आर, ये इस तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल है, और यदि किसी वायर में कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है तो उसको रेजिस्टर भी हम बोल देते हैं। सो इट इज़ फॉर रेजिस्टर और रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस और वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आल्सो नोन एज रियोस्टेट, सो दैट इज द सिंबल फॉर रियोस्टेट। दो सिंबल यहाँ दिखाए गए हैं एंड बोथ द सिंबल्स आर यूज फॉर रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट एमीटर, एमीटर दिखाया गया है ये, सो दिस सिंबल इज फॉर एमीटर एंड एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज यूज ऑलवेज यूज इन सीरीज। एंड नेक्स्ट नंबर 11 इज वोल्ट मीटर, सो दिस इज द सिंबल फॉर वोल्ट मीटर एंड इट इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। सो एंड इट इज यूज इन पैरेलल, किसी भी सर्किट में पैरेलल में यूज किया जाता है।